हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज आईक्यू अभिषेक में। और फ्रेंड्स, आप सबके लिए इंडियन आर्मी में जॉब करने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इंडियन आर्मी आप जानते हैं सबसे ब्राइट की जॉब है, पूरी इंडिया की सबसे ज्यादा जिसमें शान होती है और देश के लिए जो काम करते हैं वो इंडियन आर्मी की जॉब है, वही जॉब आपके लिए आई हुई है। और बहुत ही सुनहरा मौका है इसमें इंडियन आर्मी में जॉब करने के लिए। जितने भी बीटेक होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी उनके लिए पोस्ट है, आपको पता होगा काफी बढ़िया पोस्ट, ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। इस नोटिफिकेशन में आपको एक एक चीज बता दूंगा कैसे करके अप्लाई करना है और क्या क्या इसकी शर्तें हैं और आपकी कब आपका क्या क्या किस तरीके से प्रोसेस होगी और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। एक एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ही कम समय लेते हुए आपको बता दूंगा। तो देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग मतलब जो जॉब का टाइम पीरियड रहेगा वो अप्रोक्स लगभग 10 साल के आसपास रहेगा आपकी जॉब का जो भी पीरियड रहेगा। इसमें वुमेन और मेंस के लिए दोनों के लिए अलग अलग मतलब वैकेंसीज निकली हुई हैं और काफी सुनहरा मौका आपको इंडियन आर्मी में जॉब करने का और बहुत अच्छा एक तरीके से मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, देखिए ये आपका इसमें ये टैग मिली, ये आपके जो है मतलब 15 जो टैग है ये मेंस की पोस्ट है। इसमें 20 से 27 एज लिमिट भी अच्छी खासी रखी गई है, 20 से 27 है, मतलब 1993 और 2000 के बीच में जो भी मतलब है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ विडो वगैरह के लिए जो डिफेंस वगैरह जिनके फादर मतलब जो भी हस्बैंड वगैरह जिनकी डेथ वगैरह हो जाती है उनके लिए, ठीक है। तो मैन के लिए आप देख सकते हैं एज लिमिट आपको बता दी। बाकी आपके पास जो डिग्री है अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो डिग्री है वो 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि पासिंग ही होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 से पहले। और मोस्टली सभी जो है मतलब जितने भी बीटेक होल्डर का फाइनल ईयर में उनका अगस्त या जून के आसपास ही रिजल्ट आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग फॉर्म भर दें। बाकी इसमें यही बताया गया है कि मतलब किस तरीके से आपका जो मतलब आपको इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह जो भी आपका मतलब 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको देना है। बाकी देखिए बीटेक वगैरह इसमें तो आपको पता होगा, और ये जो नॉन टेक वाले में इसमें आपका मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो टेक वाले में आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं किस किस में इंजीनियरिंग डिग्री आपकी यहाँ पर मांगी गई है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, सिविल में 42 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैकेनिकल में भी 14 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में भी आपकी 17 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में 58 वैकेंसी है तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 21 वैकेंसी है। तो और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी 2 दे रखी है आपको, एरोनॉटिकल और एवियोनॉनिक्स और एरोस्केप में लगभग 175 के आसपास वैकेंसीज आएंगे टेक्निकल फील्ड में। नॉन टेक्निकल में देख सकते हैं 3, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे देखिए जो टैक में ये वुमेन वाली है, ठीक है, टैक 26 मतलब ये वुमेन के लिए है। तो यहाँ पर भी अप्रोक्स 14 सीट जो है मतलब वुमेन्स के लिए आई हुई है, काफी अच्छी यहाँ पे भी सीट है। और विडो डिफेंस के लिए भी एक एक सीट आपकी दे रखी है, ग्रेजुएशन वगैरह बीटेक इसमें मांगा गया है। बाकी देख सकते हैं कि इसमें आपका जो भी है विडो वगैरह के लिए सारे जो आपके क्या क्या एप्लीकेशन फी सेल्फ अटेस्टेड ये सब सभी के लिए करने हैं मोस्टली, और आपका जो भी है मैरिज वाला तो नहीं करेंगे क्योंकि तो विडो वालों के लिए, ठीक है, बाकी इन लोग को ये फॉर्म करना है। बाकी हम देखते हैं कि जो ग्रांड कमीशन होगा, मैंने आपको बता दिया कि अप्रोक्स ये ऑफिसर ट्रेनिंग होगी आपकी लगभग तमिलनाडु के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, एलटी पोस्ट पे लेटेंट की पोस्ट पे आपकी जो ट्रेनिंग होगी, काफी अच्छा आपको पे स्केल मिलने वाला है और काफी अच्छी मतलब उसमें प्रोसेस है और एक मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हैं शाही नौकरी है, बहुत ही मतलब रेस्पेक्टेबल पोस्ट है ये। ट्रेनिंग देख सकते हैं आप, ट्रेनिंग जो होगी आपकी जब आप सिलेक्शन ले लेंगे मतलब आपका SSB होगा, 5 दिन का SSB होगा, उसके सिलेक्शन के बाद मेडिकल वगैरह होने के बाद आपका 49 वीक्स की आपकी क्या होगी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब वो सब चीज सीख जाएंगे जो एक आर्मी पर्सन के लिए और एक ऑफिसर के लिए सीखना होता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें लायबिलिटी टेस्ट होगा, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट आपका 10 साल का होगा, मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 साल का करीब आपको इसमें जॉब मिलेगी। बाकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी कारण से ये जो है ट्रेनिंग छोड़ दी तो पर वीक के हिसाब से आपको 11,952 रुपए देने होंगे, मतलब आप समझ जाइए जितने भी समय की आपकी ट्रेनिंग होगी पर वीक के हिसाब से 11,952 रुपए, मतलब आप ये सोच लीजिए एक ऑफिसर बनाने में उन्हें 11,952 रुपए का खर्चा आता होगा एक वीक के अंदर, तभी वो आपसे इतना जो है वो आपसे मांग रहे हैं। बाकी परसेंटेज में और भी पीए वगैरह है। तो देख सकते हैं प्रमोशन आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट से ज्वाइन करेंगे, उसका एक बहुत ही शाही मतलब तरीके से देख सकते हैं कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर वगैरह जनरल तक जा सकते हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट तक आपकी, वो तो डिपेंड करेगा आपका किस तरीके से प्रमोशन होता है। पे स्केल भी आप देख सकते हैं लेवल टे का पे स्केल मतलब 56,100 से लेकर 1,77,500 होता है, एक बहुत ही बढ़िया पे स्केल है, मतलब एकदम जबरदस्त पे स्केल है आप कह सकते हैं, और देश की सेवा करने का मौका है तो और भी ज्यादा पे स्केल इतना मान नहीं रखता आपको, इतना अच्छी मतलब क्वालिटी है तो आपके लिए बहुत बड़े फायदेमंद चीज है। बाकी देख सकते हैं कि आपका जो MSP ऑफिसर रैंक ऑफ LT टू ब्रिगेडियर 15,000 ये फिक्स रहेगा आपका, ठीक है, MSP फिक्स रहेगा मिलिट्री सर्विस पे। बाकी फिक्स कैडेट ट्रेनिंग का भी अपना जो होगा आपका फिक्स रहेगा,
क्वालिफिकेशन ग्रांट आप लोग को पता ही होगा, फ्लाइंग अलाउंस आपको मिलेगा अगर आप पायलट वगैरह बने तो 25,000 के आसपास, ठीक है। बाकी देखिए और भी अलाउंसेज ये सब जो मतलब जो भी जॉब में जाने के बाद के अलाउंसेज आपको पैरालाइंस पैरालाइजर अलाइन बहुत सारे मतलब अलाउंसेज मिलते हैं जो आपको टेलीकट में मतलब टेक्निकल अलाउंस ये देखिए लेटेंट के लिए सारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप आराम से इसे बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी अलाउंसेस वगैरह बहुत सारे दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है 7,200 रुपए के आसपास, ये तब दिया जाता है जब आप किसी बड़े शहर में होते हैं जैसे हैदराबाद पुणे पटना वगैरह, लेकिन अगर छोटे शहर में होते हैं तो आपको ये जो है 3600 के आसपास दिया जाता है। बाकी देख सकते हैं आपकी यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 2,250 रुपए के आसपास आपको मिलेंगे अगर आप 12th तक की बच्चा आपके मतलब क्लासेस तक मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है आपको देखना होगा। हॉस्टल मतलब फैसिलिटी के भी लगभग आपको इतने पैसे दिए जाते हैं 12th तक के मतलब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह तो आपको पता ही होगा, आर्मी अपने अकॉर्डिंग देती है। अप्लाई करने का तरीका वही, आप जाएंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट साइट पे, वहां पे रजिस्ट्रेशन का आएगा, वहां पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी देख लेते हैं आप सेल्फ रजिस्टर्ड जो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सेल्फ रजिस्टर्ड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल आर कैरीड टू बी कलेक्शन ऑफ द, मतलब आपको जब वहां जाएंगे तो आपको सेल्फ रजिस्टर्ड कॉपी अपनी ओरिजिनल लेके जानी होगी सेंटर पे, ठीक है। और बाकी ओनली वन कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ड्यूरिंग एफिक्स ऑफ द सेल्फ रजिस्टर्ड फोटोग्राफी, आपको देखिए क्या क्या लेके जाना, सारे सर्टिफिकेट इसमें दे रखे हैं, इसे आप आराम से अच्छे से बैठ के बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिएगा, सारे सर्टिफिकेट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी 12th की मार्कशीट इंजीनियर की डिग्री अगर नहीं कराए तो प्रोविजनल डिग्री भी चल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट भी आपके जा सकते हैं, कोई बड़ी मतलब जा कोई दिक्कत नहीं है। और एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी द मतलब SSB का जब आपका होगा, और SSB कब होगा आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए जब आपका SSB होने वाला होगा तो उससे पहले आपके पास शॉर्टलिस्टिंग का मैसेज आएगा कि आप लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, और ये शॉर्टलिस्ट जो होता है बीटेक की परसेंटेज के बेसिस पे कि आपको शॉर्टलिस्ट करके वो लोग जो बुलाते हैं, और बहुत जगह आपका SSB कराया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये आगे आएगा, तो देखिए आपकी परसेंटेज के बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करेंगे जाएगा आपको मतलब परसेंटेज के बेस पे शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपको SSB के लिए 5 डेज का आपका SSB होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, और जो नहीं जाएगा उसका मतलब SSB क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं SSB के 5 डेज होते हैं आपके टोटल, और आपके और अगर आपने पहली स्टेज में ही फेल होगा तो आपको उसी दिन आपको वहां से मतलब बाहर कर दिया जाएगा, अगर फेल नहीं हुए तो 5 दिन आपको रुकना पड़ेगा। पहले स्क्रीनिंग राउंड होता है, वहां पर आपको क्या होता है स्क्रीनिंग वाला मेन राउंड होता है, मोस्टली वहीं पे लोग ज्यादा मतलब बाहर हो जाते हैं, अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको 5 दिन तक मौका मिलेगा इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ अपना 5 दिन तक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने का। अगर आपका वहां सिलेक्शन नहीं भी होता तो आपको बहुत बढ़िया लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिलता है 5 साल का इंडियन आर्मी का हर एक चीज देखने का, ये भी एक बहुत बढ़िया मौका होता है कि SSB में लोग जाते हैं इसलिए जाते हैं बहुत सारे लोग तो कि उन्हें काफी सारे बहुत एडवांटेज और बहुत सारे एडवेंचर चीजें देखने को मिलती है। बाकी इसके बाद आप लोग को पता होगा आपका मेडिकल वगैरह होगा, मेडिकल जो होगा वो आर्मी के हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता है, उसके बाद देखिए मैंने बताया था मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोग को पता होगा मेरिट लिस्ट, अब यहाँ देख लीजिए बहुत से ऐसे होंगे जैसे कि मान लीजिए आपका मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर आप लोग 5 राउंड क्लियर करने के बाद अब आपका मतलब उन्होंने सेव कर लिया, अब आप लोगों ने 5 दिन का SSB भी दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर आप ये मत सोचना कि SSB में आपने निकाल लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी कन्फर्म नहीं है। और यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी कि SSB में पास होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप लोग इसके बाद भी SSB में पास होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट सारी परफॉर्मेंस पे बनेगी, मतलब देखिए जिसने भी SSB में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा उसकी पूरी मेरिट तैयार होगी, और जो अच्छे से उस मेरिट में मतलब कह सकते हैं कि आपका जो टॉप पे होगा उस बंदे को आप वहां पे ऑफिसर रैंक की पोस्ट मिलेगी। तो और चेंज ऑफ द इंटरव्यू डेट आप देख सकते हैं कि सेंटर विल नॉट बी एंटर्ड इन रिप्लाई, मतलब आपका चेंज नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे सेंटर यहाँ पे आपका SSB कराया जाता है, इलाहाबाद वगैरह और भी बहुत सारे ऊपर लिखा हुआ था, मैंने आपको लिस्ट में दिखा दिया, आप लोग उसे देख लें। और यहाँ पर यही सब इसकी मतलब पूरी मैंने डिटेल आपको बता दी, बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई जरूर करें, कोई भी फीस नहीं है, मतलब 0 फीस है, और इंडियन आर्मी में एक बार आपको SSB देने का मौका जरूर मिलेगा, और जरूर दें, मैं तो ये कहूंगा आप लोग अगर फिट हैं तो जरूर SSB देने की एक बार कोशिश जरूर करें, और इसमें अप्लाई जरूर करें। और यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, देखिए 22 जनवरी जो है डेट है अप्लाई करने की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फरवरी तक लास्ट डेट है, मतलब ये अच्छा खासा आपके पास टाइम है, अभी कोई इतनी नहीं है, अभी तो 20 दिन है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपको बहुत ज्यादा मतलब इसमें फायदा मिले। तो फ्रेंड्स ये थी एक मेरी छोटी सी अपडेट, जो भी इंडियन आर्मी में जॉब आई थी मुझे आपको बताना था कि आप लोग इस फॉर्म को भर दें। बाकी आप फॉर्म को पूरा मैं नोटिफिकेशन मतलब डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को डाउनलोड कर लें, तो डाउनलोड करके देख लें फॉर्म को किस तरीके से क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, मैंने वैसे तो पूरा बता दिया है, बाकी आप अपनी तरफ से भी पूरी इस चीज को एक बार देख लें क्या क्या अलाउंसेस है अगर आप लोग ने कभी देखे ना हो। तो फ्रेंड्स मैं अभिषेक इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ लगातार हाजिर रहूंगा, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।